अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम राग मैथ के जरिए कर रहे हैं, तो आज एक और राग करते हैं। ये ठाठ बिलावल का राग है, राग मांड। राग मांड इसका वादी सुर है खर्ज, जिसको सा कहते हैं। संवादी सुर है इसका पंचम, जिसको पा कहते हैं। सबसे पहले इसकी आरोही मैथ के जरिए करेंगे, बाद में आपको इसकी सरगम बताऊंगा। चले पहले इसको मैथ के साथ करते हैं। एक, पांच, तीन, छ, पांच, आठ, छ, दस, आठ, 12, 10, 13। ये आरोही हो गई है, अब इसकी अवरोही करते हैं। 13, 10, 12, 8, 10, 6, 8, 5, 6, 1। ये हो गई है जी इसकी अमरोही। अब इसके आपको सरगम बता देता हूँ। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा। ये आरोही हो गई है, अब इसके अमरोही करते हैं। सा धा नी पा धा मा पा गा मा सा। ये हो गई है इसकी अमरोही जी। फ्रेंड्स, अब इसको दूसरे काले से करते हैं। जैसे कि आपको मिसाल दिया करता हूँ, आप इसको हर सुर से इजिली बजा सकते हैं। शर्त यह है कि वादी संवादी और इसकी गिनती याद हो। चलें आप इसको दूसरे काले से करते हैं। सबसे पहले मैथ के जरिए इसकी आरोही बता देता हूँ। एक, पांच, तीन, छ, पांच, आठ, छ, दस, आठ, 12, 10, 13। ये अरोही हो गई है, अब इसके अमरोही करते हैं। 13, 10, 12, 8, 10, 6, 8, 5, 6, 1। ये इसकी अमरोही हो गई है, अब इसकी सरगम भी बता देता हूँ। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा। ये अरोही हो गई है, अब इसकी अमरोही करते हैं। सा धा नी पा धा मा पा गा मा सा। ये इसकी अमरोही हो गई है जी। फ्रेंड, इसको आप हर सुर से इजीली कर सकते हैं। शर्त वही है इसकी, वादी संवादी और गिनती याद हो। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।